नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2022 में कसम खाई थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ेंगे यानी हटाएंगे, तभी अपना मुरेठा खोलेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का ये जो सपना था, ये जो कसमें था, वो तोड़ना पड़ा। क्योंकि ऐसा में आपको बता दें कि कल यानी 3 जुलाई को आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जो है अयोध्या जाकर राम मंदिर में अपना रामलला के सामने मुरेठा खोलेंगे और वादे को तोड़ेंगे, यानी कसम जो ली थी उन्होंने उन्हें तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको बता दें कि उन्होंने वादा किया था कि नीतीश कुमार से सत्ता से हटाकर तभी मुरेठा खोलेंगे, और अब जो है सम्राट चौधरी मुरेठे में 4 जुलाई से नजर नहीं आएंगे, क्योंकि 3 जुलाई को वो मुरेठा खोल लेंगे अभी रामलला के सामने। ऐसे में आपको बता दें जो खबरें निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो हैं अयोध्या जाएंगे 2 जुलाई को, जहां वो प्रभु श्री राम के सामने 21 महीने से बंधी अपने सिर की पगड़ी खोल देंगे। इस दौरान वह मुंडन भी कराएंगे। दरअसल सम्राट चौधरी का अयोध्या में 2 दिवसीय दौरा है। 3 जुलाई को वो अयोध्या के राम मंदिर में मुरेठा खोलेंगे। ऐसे में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने साल 2022 में कसम खाई थी कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाऊंगा तभी मुरेठा खोलूंगा। उन्होंने नीतीश कुमार को ये चैलेंज किया था, लेकिन सत्ता का खेल देखिए कि नीतीश कुमार उसी बीजेपी के साथ मिलकर आज भी सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं और उन्हें बेदखल करने वाला कोई दिख नहीं रहा है, और सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी खोलने के लिए भी तैयार हो गए हैं। सम्राट चौधरी के अयोध्या में पगड़ी खोलने को लेकर पटना की सड़कों पर उनके चाहने वालों ने पोस्टर तक लगा दिया है, जिसमें साफ लिखा है कि 3 जुलाई को अयोध्या में दर्शन कर प्रभु श्री राम के चरणों में मुरेठा खोलेंगे। अब बिहार में लवकुश के वंशज सम्राट चौधरी यानी अब सम्राट चौधरी की पगड़ी फाइनली हट जाएगी। इसे लेकर मीडिया और राजनीतिक गलियारों में कई तरह की बातें भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी के इस तरह पगड़ी बांधे रहने से सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी जाति के लोगों की भावनाएं आहत हो रही है, इसलिए सम्राट चौधरी ने यह फैसला लिया है कि अब तो नीतीश कुमार NDA के साथ आ गए हैं और लोकसभा चुनाव भी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा है, और पूरी संभावना है कि विधानसभा चुनाव भी नीतीश कुमार NDA के साथ ही लड़ेंगे। ऐसे में सम्राट चौधरी को पगड़ी खोलना ही चाहिए, यानी कि ये जो बातें हैं वो जनता के बीच हो रही है। क्योंकि बता दें कि 2022 में सम्राट चौधरी ने कसम खाई थी कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाऊंगा तभी जो मेरा मुरेठा है वो खुलेगा। ऐसे में सम्राट चौधरी के ने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उन्हें अब ये जो कसमें हैं वो तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं NDA के साथ मिलकर ही सरकार बनाए हैं, अभी सत्ता की कुर्सी पर फिर से बैठ चुके हैं और कहीं ना कहीं उन्हें कोई हटाने वाला नजर नहीं आ रहा है। अब सम्राट चौधरी को भी मुरेठा खोलने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अब जो है बातें हो रही हैं कि लोकसभा चुनाव तो नीतीश कुमार NDA के साथ ही लड़े, और केंद्र में सरकार भी जो NDA का बना है नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं बलबूते ही बना है। अब ऐसे में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इस विधानसभा का चुनाव भी नीतीश कुमार NDA के साथ ही यानी बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे। ऐसे में सम्राट चौधरी जो है किसी भी कहीं कीमत पर कल यानी 3 जुलाई को वो अयोध्या में रामलला के सामने अपना मुरेठा खोलेंगे। आज 2 दिन के दौरे पर वो अयोध्या जा रहे हैं, यानी कि 2 जुलाई आज वो अयोध्या जाएंगे, जहां रामलला के दर्शन भी करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24।